केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बागवानी के क्षेत्र में फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दुगनी करने का भी फॉर्मूला बताया। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा और लोकसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बाद भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। आज लगभग 50% लोगों को कृषि रोजगार देता है। किसान अगर उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कुछ खरीदता है उससे GDP बढ़ती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज भी देश में लगभग 50% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र देता है। अर्थव्यवस्था में भले ही GDP में योगदान 17% से ज्यादा है, लेकिन यह तो सीधा योगदान है। लेकिन किसान अगर उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और इसलिए किसान जो चीजें खरीदता है वो भी हमारी GDP को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार कहती आई है कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी और कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगे। PM मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में जो रोडमैप तैयार किया गया है वो है किसानों के उत्पादन में वृद्धि करना। शिवराज ने कहा, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इन 6 आयामों पर हम मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का जो रोडमैप है हमारा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना है, नंबर 3 कृषि उत्पाद का ठीक दाम देना है, लाभकारी मूल्य देना है, नंबर 4 भगवान ना करे लेकिन प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करना है, नंबर 5 कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, एक में अनेकों सेक्टर है जो किसान से जुड़े हुए हैं, और विविधीकरण के साथ साथ वैल्यू एडिशन कृषि उत्पाद से कच्चे माल से वैल्यू एडिशन करके विभिन्न चीजें बनाना, और नंबर 6 प्राकृतिक खेती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है तो अच्छे बीज होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, हमें ऐसे बीजों की जरूरत है जो जलवायु के अनुकूल हो। पिछले दिनों 109 नई किस्म बीजों की तैयार की गई, इनमें अनाज की 23, अनाज में भी चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, रागी की 1, चीना की 1, सांबा की 1, चने की 2, अरहर की 2, मसूर की 3, मटर की 1, मूंग की 2, ओवरऑल तिलहन की 7 फसलें, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आपको पूरी सूची दे दूंगा। चारा पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी 7 फसलें, गन्ने की 7 किस्में,
गन्ने की 4 किस्में, रेशे वाली फसलों की 6 किस्में, कपास की 5, जूट की 1, बागवानी की 40, उनमें सब है, आम, अनार, अमरूद, बेल, पमेला। सब्जियों में टमाटर, लौकी, भिंडी, भारतीय सेम, खरबूज, तरबूज, धान की फसलें अनेकों। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली, उनमें से धान की ऐसी किस्म भी है कि जिसमें 30% पानी कम लगेगा, तो पानी को बचाने वाली उत्पादन के साथ साथ कीटों का प्रकोप भी कम हो, वो प्रयत्न भी किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसानों के मुद्दे पर खुलकर बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।